कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा है कि हम पूरी तैयारी के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पार्टी प्रदेश में अपनी सक्रियता को बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सहारनपुर से लखनऊ की यात्रा सफल रही है, हर वर्ग का समर्थन मिला है, साथ ही अगली यात्रा की तैयारी शुरू हो गई है। भाजपा को सत्ता से हटाने का काम कांग्रेस ही करेगी। अविनाश पांडे ने कहा कि यूपी में संवाद कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं, इसके तहत शीर्ष नेतृत्व का संदेश हर कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे, आज इसकी शुरुआत हो रही है। राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि यूपी की टीम 100 दिन में हर दिन बेहतर कार्य करने का लक्ष्य रख रही है। आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, इसके बाद जोनल बैठक होगी, संगठन को गतिशील बनाने का कार्य करेंगे। 11 से 18 जनवरी तक कार्यशाला होगी, 14 जनवरी को मणिपुर से राहुल गांधी की यात्रा शुरू होगी। इस दिन हर जिले में मशाल जुलूस निकाला जाएगा, हर जिले में मशाल यात्रा निकाली जाएगी। 15 को अयोध्या पहुंचेंगे, हर जिले में बैठक होगी, ये काम 24 जनवरी तक खत्म होगा। 26 जनवरी को न्याय यात्रा के समर्थन में ब्लॉक लेवल से यात्रा निकाली जाएगी। 24 से 25 फरवरी को राहुल गांधी की यात्रा यूपी में आएगी, उसमें सभी कार्यकर्ता शामिल होंगे, ये यात्रा ऐतिहासिक होगी। अब कांग्रेस जहां न्याय यात्रा के जरिए चुनावी माहौल बनाने में जुटी है, तो वहीं भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के सहारे माहौल को गरमाने में लगी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद देश भर में राम भक्तों का अयोध्या आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर भारत में भाजपा के पक्ष में हिंदू वोटरों की लामबंदी का माहौल बनता दिख रहा है। ऐसे में राहुल गांधी के सामने अयोध्या के सहारे पैदा किए जा रहे हिंदुत्व की नई लहर को रोक पाने की बड़ी चुनौती होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव उन्हीं जिलों पर पड़ रहा था जहां से यात्रा गुजरी थी, क्योंकि ये यात्रा मध्य प्रदेश और राजस्थान भी गई, वहां पर कुछ इसका विशेष असर नहीं दिखा। कर्नाटक में बदलाव की प्यार बह रही थी, जिस कारण वहां पर कांग्रेस की सरकार बन गई, इसका पूरा प्रभाव प्रदेश में नहीं पड़ता है। इस तरह से यात्रा जब तक व्यापक उद्देश्य के साथ नहीं चलती है, तब तक राजनीतिक असर नहीं होता है। 2012 में अखिलेश यादव ने जो यात्रा निकाली थी, सपा का प्रभाव पूरे प्रदेश में था, उस समय लोग मायावती से बदलाव चाहते थे, उन्होंने अपने को विकल्प के तौर पर प्रस्तुत किया था, जिस कारण उन्हें सफलता मिली थी। कांग्रेस अपने को बड़े विकल्प के तौर पर अभी तक प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। इंडिया गठबंधन के जो आंतरिक गतिरोध हैं, उसके कारण कांग्रेस ऐसा कर भी नहीं पाएगी। इसी कारण कांग्रेस से लोगों को बहुत अपेक्षा नहीं है, इसका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा। 1-2 जिलों के बाद ये तय हो जाएगा कि इसमें स्थानीय लोगों का कितना जुड़ाव है, उसके बाद अन्य दल तय करेंगे कि इस यात्रा को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता आनंद दुबे ने इस यात्रा को लेकर कहा कि कांग्रेस लगातार राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रही है। पहले से जुड़े देश को वह फिर जोड़ने निकले हैं, उनकी पहली यात्रा विफल रही है। जिन लोगों ने 70 साल तक जनता के साथ अन्याय किया है, वे यात्रा निकाल रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस सिर्फ पुरातात्विक सामग्री बनकर रहेगी, जो इतिहास में पढ़ाने के काम आएगी। तो बीजेपी ने इस तरह से राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर कटाक्ष किया है। अब जहां कांग्रेस राहुल की यात्रा से परिवर्तन लाने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी राहुल की यात्रा पर निशाना साध रही है। फिलहाल ये यात्रा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।